आबिशार, आज हम आपको बताते हैं कि देश में पहली बार किन्नर और पुरुषों की शादी हुई। इस शादी में 15 घोड़ियों पर सज धज कर बैठे दुल्हे पहुंचे। किन्नर दुल्हनों को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल देश में समलैंगिकता को मान्यता मिलने के बाद पहली बार किन्नरों की शादी हुई है, और वो भी सामूहिक तरह से। इस शादी ऐसे पुरुष दुल्हा बनकर आए जिन्हें किन्नर से प्यार हो गया। रायपुर में शनिवार को अपनी तरह की एकदम खास शादी हुई। यह शादी इतनी खास हो गई कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल देश में समलैंगिकता को मान्यता मिलने के बाद पहली बार किन्नरों की शादी हुई, और वो भी सामूहिक। इस शादी में ऐसे पुरुष दुल्हा बनकर आए जिन्हें किन्नर से प्यार हो गया। रायपुर में शनिवार को अपनी तरह की एकदम खास शादी हुई। यह शादी इतनी खास हो गई कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर लिया गया। इस शादी का खास आकर्षण बन गई देश की पहली मिस ट्रॉस क्वीन वीना सेंद्रे। वो भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए बतौर मेहमान पहुंची थी। उनको देखकर युवा ऐसे आकर्षित हुए कि उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बारात में किन्नर समाज के लोगों ने ढोल ताशों पर जमकर डांस किया। उनके लिए जीवन में ऐसा पहला मौका था जबकि सार्वजनिक रूप से उनकी स्वीकारता को इतना महत्व दिया गया। ऐसे में दूसरों की शादी में नाच कर खुशियां बांटने वाला किन्नर समुदाय पहली बार खुद के लिए जश्न मना रहा था। इस दौरान बारात में शामिल मिस ट्रॉस क्वीन वीना सैजे भी खुद को नहीं रोक सकी। उन्हें भी पैर बैंड की धुन पर थिरक उठे और उन्होंने भी जमकर डांस किया। किन्नर और उनसे शादी करने वाले पुरुषों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंच पर वो अपने साथी के साथ खुद को नाचने से नहीं रोक सके। अपने प्यार हमेशा छिप छिप कर मिलने वाले दो प्रेमियों को सार्वजनिक रूप से प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार किया गया था। इस शादी में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विशिष्ट अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव ढहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, बिलासपुर से विधायक शैलेश पांडे, रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सिविल लाइन से दूल्हे की बारात निकाली गई अम्बेडकर भवन घड़ी चौक कालीबाड़ी से टिकरापारा होते हुए बारात पुजारी पार्क स्थित मंडप में पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित जी ने यहां पर किन्नरों की शादी संपन्न कराई। शादी पूरे सनातन रीति रिवाजों के साथ हुई। हवन पूजन करने के साथ ही पुरुषों ने अपनी साथी की मांग भरी और उन्हें मंगलसूत्र भी पहनाया। इस दौरान पुरुषों के परिवार के लोग भी पहुंचे और नई नवेली बहू को आशीर्वाद देकर स्वीकार किया। इस शादी में छत्तीसगढ़ से 7 जोड़ों के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश से आए जोड़ों की शादियां हुई। इस शादी में छत्तीसगढ़ से 7 जोड़ों के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश से आए जोड़ों की भी शादियां हुई। आप लोग देखते रहिए ghamasan.com, हम हर दिन देंगे आपको ऐसी ही जानकारियां। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।